contraceptive pills. Number 4, we are having contraceptive pills. And pills word aate hi aapke mind mein aa jana chahiye, it is medicine. ठीक है, पिल्स जो है वो क्या है, मेडिसिन का ही एक फॉर्म है, या मेडिसिन ही कहते हैं पिल्स को. तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात आ गई. अगेन इट इज यूज बाय फीमेल. व्हाई? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल हॉर्मोन्स. इसको बनाने के लिए इन पिल्स को हम यूज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का कॉम्बिनेशन. इसी कॉम्बिनेशन की मदद से हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बनाकर तैयार करते हैं. इसीलिए इसको फीमेल्स के जरिए यूज किया जाता है. अब इसमें कुछ हार्मोन्स हैं एक दो जिसका नाम आपको जानना है. प्रोजेस्टो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टो स्टेरॉइड, इस तरह के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल के बॉडी में अप्लाई किए जाते हैं, ताकि इस हार्मोन की मदद से हम जो पिल्स बना रहे हैं वो पिल्स फीमेल के लिए एप्लीकेबल हो सके. अब देखिए काम करने का ढंग क्या होता है. इन हार्मोन के कॉम्बिनेशन से जो सबसे ज्यादा फेमस पिल्स है, जिसको सबसे ज्यादा एडवांस कहा गया और इसका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसका साइड इफेक्ट कम है, वो है सहेली. इट इज सहेली ब्रांड एंड सहेली इज ऑल्सो नोन एज वंस अ वीक पिल. वंस अ वीक पिल यानी के हफ्ते में बस एक बार ली जाने वाली दवा. इसको एक वीक में एक ही टैबलेट यूज करना होता है. तो एक वीक में एक टैबलेट यूज करने से ये काफी ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पर. और ये सबसे बड़ी खूबी, इट इज नॉन स्टेरॉयडल विच विल नॉट लीड इम्बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन इन द बॉडी. ये इम्बैलेंस नहीं होने देती है. इट इज नॉन स्टेरॉयडल पार्टिकुलर सहेली जो कि वंस अ वीक ली जाती है. इसके अलावा कुछ अदर भी हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नाम एग्जाम्पल के तौर पे नहीं है. पर बहुत पहले एडवर्टीजमेंट वगैरह आती थी जिसका इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज मालाडी ऑलवेज इन रूरल एरियाज, गांव वगैरह में माला डी का इस्तेमाल ज्यादा होता है. बिकॉज ये चीप होती है, यानी कि सस्ती क्वालिटी की होती है, बट द साइड इफेक्ट इज मच. लेकिन माला डी को 21 डेज तक रेगुलर यूज किया जाता है. फर्क देखिए आप खुद, 21 डेज रेगुलरली यूज्ड. इसको महीने में 30 दिन में कितना दिन तक रेगुलर यूज करना है, 21 डेज तक इसको रेगुलर यूज किया जाता है. इसको सिर्फ एक फीमेल अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस फेज 1 से लेके 7 दिन तक का सफर मेंस फेज में यूज नहीं करेंगी. कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को फीमेल अपने मेंस फेज में यूज नहीं करती है. जैसे ही उनका मेंस फेज खत्म हो जाता है, 1 से 7 दिन तक का जो फेज है, जैसे खत्म हो जाता है, दे कैन स्टार्ट टेकिंग द पिल्स. तो मेंस्ट्रुअल फेज में यूज ना करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय बॉडी से हार्मोनल कॉम्प्लेक्स की वजह से ही मेंस फेज होती है. अगर वो गड़बड़ हो जाएगी तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल लीड नहीं हो पाएगी फीमेल में, जो एक बहुत बड़ा एबनॉर्मल कॉज बन सकता है फीमेल बॉडी के लिए. तो इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को मेंस फेज में 1 से लेके 7th डे तक यूज नहीं करना होता है. बाकी के दिन में वो यूज की जा सकती है. इवन सहेली को भी वंस अ वीक अगर लिया जा रहा है, और एक वीक ऐसा है जिस वीक में मेंस फेज से सफर कर रही है फीमेल, उस वीक में उसको गैप कर दिया जाता है. ठीक है, तो मेंस फेज में कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ली जाती है. देखिए, ये तो आप देख रहे हैं कि दवा का नाम क्या है, दवा बन किस कॉम्बिनेशन से रही है, लेकिन दवा का काम क्या है, क्या करती होगी ये. तो ये जो मेडिसिन्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, ये फीमेल के बॉडी में 2 प्रोसेस को इनहिबिट कर देती हैं, या 2 प्रोसेस को ये लीड नहीं होने देती हैं. एक हो गया ओव्यूलेशन, मीन्स ओवम फॉर्मेशन विल बी स्टॉप्ड, एंड सेकेंड इज
implantation. Second is implantation. ये दो ऐसा process है जो contraceptive pill के जरिया inhibit कर लिया जाता है. This is the functioning behavior of contraceptive pills. तो ये दो process में inhibition हो जाता है और जो sperm है, अगर sperm uterus तक पहुंचा है तो वो cervical canal में ही hostile रह जाता है. Sperm को ये cervical canal में ही hostile कर देती है, वहीं तक अटका देती है. तो वहीं तक अटका देने का मतलब है कि 100% ये क्या नहीं होने दे रहा है, fusion होने ही नहीं देगा. तो इसीलिए contraceptive pills को एक ideal टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में रखा जाता है. तो इस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की आइडियोलॉजी होती है और इसका इस्तेमाल फीमेल ज्यादा करती है क्योंकि ये इजी है. जैसे सारी दवाई खाई जाती है बिल्कुल उसी तरह से इसको रोज एक खाना होता है और ये एक टैबलेट लेने से जो कॉमन चीप वाली होती है, सस्ती जो होती है, तो 21 दिन तक इसको लगातार लेना पड़ता है. और अगर सहेली की बात की जाए तो सहेली को वंस अ वीक लिया जाता है. तो 3 tablets will be used. Why? Because 1 week will be undergone into men's phase. That is all about the contraceptive pills.